أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूने अमल है। और जब ईमान वालों ने लश्करों और जत्थों को देखा तो कहने लगे, हाँ इसी का वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने किया था और अल्लाह ने और उसके रसूल ने सच कहा था। और इस सूरत हाल ने उनके ईमान और तस्लीम और रज़ा में और इजाफा कर दिया। ईमान वालों में बहुत से मर्दान आहन थे जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसे सच कर दिखाया। उनमें से वो भी थे जिन्होंने अपनी मुद्दत हयात पूरी कर ली और वो भी हैं जो शहादत के इंतज़ार में हैं और उन्होंने कोई रद्द बदल नहीं किया ताकि अल्लाह सच्चों और खरे इंसानों को उनकी सच्चाई के नतीजे में बेहतरीन बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो सज़ा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल करे। बेशक अल्लाह बहुत मग़फ़रत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अल्लाह ने काफिरों को उनके दिलों की घुटन और भड़ास के साथ पलटा दिया, उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल न हो सका। और अल्लाह ने ईमान वालों को जंग से महफूज रखा और अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और गालिब है। और जिन अहले किताब यहूदियों ने इन काफिरों की मदद की थी उनको उनके किलों और घड़ियों से नीचे उतार दिया और उनके दिलों में रोब डाल दिया। उनमें से एक तादाद को तुम तहतेक कर रहे थे और एक तादाद को गिरफ्तार कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी ज़मीनों और माल व जायदाद का तुम्हें वारिस बना दिया और उस ज़मीन का भी जिस पर तुमने कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा आयत नंबर 21 से आयत नंबर 27 तक पढ़ी गई और इनका तर्जमा पेश किया गया। जंग अहज़ाब का तस्करा चल रहा है
और यही जंग अहज़ाब है जिसको जंग खंदक भी कहते हैं कि जब पार्टियों और जत्थों और कबीलों के इत्तेहाद ने एक मुश्तरका महाज बनाकर मदीने मुनव्वरा पर हमले का प्लान बनाया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के तहफ्फुज़ के लिए मशवरे के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे को कबूल फरमाते हुए खंदक खोदने का हुक्म फरमाया था और ये खंदक मदीने मुनव्वरा के शिमाली इलाक़े में थी। उहद पहाड़ के एक हिस्से से इसका सिलसिला शुरू किया गया और सला पहाड़ी तक को ले जाया गया और फिर मज़ीद मगरिब के रुख पर और जुनूब के रुख पर इसका सिलसिला आगे बढ़ाया गया। 3 मील लंबी खंदक थी, 10 फिट चौड़ी, 10 फिट गहरी थी और फिर मज़ीद मगरबी रुख पर और जुनूबी रुख पर 2 मील 2.5 मील के लगभग खंदक को मज़ीद वसी किया गया। हालांकि मदीना मुनव्वरा के दो तरफ हर्रात वाक़े हैं और हर्रह उस ज़मीन को कहते हैं जो बड़ी संगलाख होती है, बड़ी नुकीली और पथरीली, जिस पर चला नहीं जा सकता है और फौजी कार्रवाई का कोई सवाल नहीं। तो इस तरह वो ज़मीन ही ऐसी थी कि गोया के एक किले की दीवार उठी हुई हो। वो ज़मीन मदीना मुनव्वरा को किला बंद करती थी और जुनूब के इलाक़े में खजूर के बागात थे, उधर से भी कोई फौजी चढ़ाई नहीं हो सकती थी, सिर्फ शिमाली इलाका खुला हुआ था। तो खंदक खोदी गई थी और उसके बाद तफसीलात कल बयान की गई कि जो लश्कर मुसलमानों पर मक्के मुकर्रमा के काफिरों की क़्यादत में हमला आवर हुआ वो 10,000 12,000 और बाज़ रिवायतों में 15,000 की तादाद भी बयान की गई है, फ़ौजियों पर मुश्तमिल था। कम अज़ कम 10,000 की तादाद थी और ये बहुत बड़ी तादाद थी और एक छोटी रियासत पर जहाँ अभी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और ख़ास तौर पर मुस्लिम आबादी अभी ऐसी थी कि सच्चे पक्के मुसलमान तो अभी महदूद तादाद में थे और कच्चे मुसलमान और मुनाफिक मुसलमान और यहूदियों से भी ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद थी। 3,000 अफराद तो वो थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के खोदने पर मामूर किया और ये खंदक के खोदने में लगे। लेकिन जब खंदक खोदी जा रही थी, तैयार की जा रही थी, उस वक्त तक तो लश्कर पहुँचे नहीं थे। जब खंदक तैयार कर ली गई और पुश्ता भी तैयार हो गया, खंदक की जो मिट्टी थी वो मदीना मुनव्वरा के रुख पर डाली गई जिससे एक बहुत बड़ा पुश्ता तैयार हो गया और इस तरह मदीना मुनव्वरा का तहफ़्फ़ुज़ दीवार से भी हो गया और खंदक से भी हो गया। उस वक्त भी जब काफिरों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के शिमाली रुख पर पहुंचा है तो जो कच्चे मुसलमान थे, जो मुनाफिक मुसलमान थे, उन्होंने बहानेबाजियां शुरू की कैसे वो मैदान से फ़रार इख्तियार करें और इस जंग में वो शरीक न हों, अपनी जान बचाएं। हालांकि दू बदू जंग भी नहीं हो रही थी, सिर्फ दुश्मन ने तीरों की बारिश कर रखी थी और वो इस कोशिश में थे कि दूर से निशाना बनाएं और इस एतबार से वो दहशत नहीं थी जो दू बदू जंग की होती है। लेकिन इसके बावजूद जिनके दिल बीमार थे और जिनके अंदर निफाक था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, जब तक मफाद उनका जुड़ा रहता था लेकिन जहाँ उन्हें ख़तरा होता था जान का या माल का, तो वो चुपके से खिसकने में अपनी आफियत समझते थे। ऐसे लोगों का तذکرہ भी गुज़र चुका है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग मांग कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे और अल्लाह ताला ये फरमा रहा था कि ये दुनियादार किस्म के लोग हैं, इनके दिल मरीज़ हैं, इनके अंदर सही मानम ईमान नहीं है और ये खौफ और दहशत में मरे जा रहे हैं, इनका ऐसा हाल है जैसे इन पर गशी तारी हो रही हो।
और जब खौफ की हालत नहीं होती, नॉर्मल हालात होते हैं, तो फिर ए मुसलमानों भी तुम्हारे साथ होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं और तुम्हारे साथ मस्जिदों में भी शरीक रहते हैं और नबी की सोहबत में बैठते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ये सारा इनका अमल होता है। लेकिन ये खैर के मामलात में बड़े बखील वाक़े हुए हैं, बड़े तंगदिल वाक़े हुए हैं और बड़ी चर्बज़बानी करते हैं। जिस वक्त इनको फ़ायदा उठाना होता उस वक्त बड़ी चर्बज़बानी के साथ ये तुम्हारे साथ मौजूद रहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर असल माना में ईमान नहीं है। ज़ाहरी तौर पर ये मुसलमान हैं, मुसलमानों में घुले मिले हुए भी हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा भी सादिर नहीं हो रहा है और ये सबकी तरह शुमार किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका अमल बता रहा है कि उनके अंदरून की हालत क्या है और वो किस तरह के मुसलमान हैं और उन्होंने अपना एतबार खो रखा है। तो उनसे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन पर अगर भरोसा किया जाएगा और ज़्यादा एतमाद कर लिया जाएगा तो फिर वक्त पर वो नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों को न तो हटाने की ज़रूरत है और न इन पर एतमाद करना दुरुस्त है। चौकन्ना रहना चाहिए, बस जहाँ तक मुमकिन हो उनको जोड़ कर साथ रखना चाहिए कि वो मज़ीद फितना न पैदा करें और खाने जंगी न भड़का दें। तो ये वो सूरत हाल थी जिसका तस्करा फरमाया गया। और उसके बाद यानी जो जंग का माहौल कायम हुआ था और उस जंग के माहौल में जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मरहले से तैयारियां फरमाई थी, पहले तो आपने उमूमी नौइयत का मशवरा फरमाया क्योंकि हालात बहुत संगीन थे। जैसे आपने उहद की जंग से पहले भी मस्जिद नबवी में अपने सहाबा को जमा किया और 1000 की तादाद में आपके सहाबा मस्जिद में मौजूद थे जिनसे उस वक्त मशवरा हुआ, और उसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई भी मौजूद था और उसके साथी मौजूद थे, और मशवरे में ये बात आई हुजूर की तरफ से भी और दीगर हजरात की तरफ से बात ये आई थी कि हम लोग अपने महलों में रहें और काफिर फ़ौज को अंदर दाखिल होने दें, फिर घेर कर उनसे मुकाबला करें। लेकिन जो नौजवान अनसुर था उस मशवरे में शरीक, उसने ये बात कही कि हम तो ये चाहते हैं जैसे बदर की तरफ हम लोग गए और वहाँ जाकर लड़ाई लड़ी गई, वैसे हम घर बैठकर न लड़ें बल्कि बाहर निकलकर मैदान में आएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा पसंद फरमाया, घर तशरीफ़ ले गए और फौजी वर्दी पहनकर हथियार पहनकर आप बाहर तशरीफ़ लाए। और जब आपको इस मंज़र में देखा गया तो सब ने कहा कि हुजूर मशवरा तो ये हो रहा था और आप तो बिल्कुल तैयारी करके आगे। फरमाया कि बस मैंने इन नौजवानों का मशवरा कबूल कर लिया और अब बाहर निकलना। तो उसके बाद ही फिर उहद पहाड़ की तरफ रुख किया गया, यानी आपने ये बात तय फरमा ली थी कि जो मैदान जंग होगा वो उहद पहाड़ का दामन होगा ताकि उहद पहाड़ की पुश्त पनाही रहे और शमाल के रुख पर जो फ़ौज है उससे मुकाबला किया जाए। तो अब आधे रास्ते पे पहुँचे थे कि अब्दुल्लाह इब्न उबई ने जो मशवरे की मजलिस में बैठा हुआ था और अपना बुजुर्गाना मशवरा दे रहा था, उसने शोर मचाया, नबी से बगावत की और अपने लोगों से कहा कि हम लोग नहीं शरीक होंगे, वापस चलो। तो 300 लोग, वो 300 सहाबा जो हुजूर के साथ मशवरे में शरीक थे, उसके साथ चले गए। ये वाकया उहद में पेश आया। अब इस जंग में देख लीजिए, यही अनसुर है जो मदीने मुनव्वरा में फैला हुआ है और इसके खुफिया ताल्लुकात यहूदियों से भी हैं और इसके खुफिया ताल्लुकात मुशरिकों से भी हैं, और मुसलमानों के साथ तो दीनी और मज़हबी ताल्लुक़ है क्योंकि मुसलमान ही शुमार होता है, वहाँ किसी काफिर की तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई थी। ये यहूदी थे या फिर बाहर के इलाक़ों के मशरक व काफिर थे, और या मदीने के मुसलमान थे जिनमें मुखलिस भी थे, गैर मुखलिस भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, हर तबके के लोग थे, जैसे किसी भी माशरे में हर तबके के लोग होते हैं। और क़ुरान उन्हीं की निशानदेही कर रहा है, उनके हालात बयान कर रहा है, उनके अंदर की कैफियात को बयान कर रहा है। ये सब को बयान करने के बाद, दोनों तबकों का तस्करा करने के बाद फरमाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है,
और इस नमूने अमल से वही लोग मुस्तफीद होते हैं जिनको अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, और जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं, उसकी याद में मशगूल रहते हैं। ये बात इरशाद फरमाई गई। जंग की तैयारियां, जंग का मैदान, खंदक का खोदा जाना, एक दीवार का तैयार करना, जो एक मादी नुक्ते नज़र रखने वाली फ़ौज तैयारियां करती है, वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इधर मुतवज्जे करना चाहता हूँ अपने बाज़ बुज़ुर्गों को और बाज़ साथियों को जो आवाम को मुखातब करते हैं, बयान देते हैं, हालात का तज़किरा करते हैं, तो कहते हैं दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाए, आप हजरात इस मौके पर दुआएं करें, और कुछ वज़ाइफ़ वग़ैरह बताए जाते हैं उनका एहतमाम किया जाए। या जब यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल की ज़ात तुम्हारे लिए नमूना अमल है, तो सीरत पढ़ लीजिए। जंग बद्र का मौका आया तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया आप लोग दुआओं का अहतमाम करें, अल्लाह इन जालिमों से निमट लेगा, सब अल्लाह के हाथ में है। जंग उहद का मौका आया तो आपने मशवरा जंगी हिकमत अमली के बारे में फरमाया, ये नहीं कहा मुसलमानों से जो 1000 की तादाद में जमा थे आप लोग सूरह यासीन ख़त्म करें, आप कोई वजीफ़ा पढ़ें, आप ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ें, आप इस मौके पर तो तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये सीरत में और अहादीस की किताबों में कहीं नहीं, न जंग बद्र के मौके पर, न जंग उहद के मौके पर। ये सख्त तरीन बुहरानी मौाक़े हैं, सख्त तरीन और घमसान की जंग के मौाक़े हैं, और ये सबसे ज़्यादा भयानक जंग जिसमें यूं कहिए कि पूरे मुल्क की जो दुश्मन ताकतें थीं वो सब एक इत्तेहाद करके चढ़ दौड़ी थी। उस वक्त भी ये कहीं ज़िक्र नहीं आता किसी हदीस में, बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी सब पढ़ जाइए और सीरत की किताबें पढ़ जाइए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सहाबा से कहा आप लोग वजीफ़ों का एहतमाम करें, आप लोग दुआओं का एहतमाम करें, ये कहीं नहीं। आपने जब भी बात की तो इसकी कि जंगी हिकमत अमली क्या हो, इस मौके पर क्या करना चाहिए, इस पर मशवरा हुआ। अब मशवरा हुआ उहद के मौके पर तो उहद पहाड़ के दामन में जंग का मैदान तय किया गया, बद्र के मौके पर जो भी बातचीत हुई तो सफ़र शुरू कर दिया गया, और सफ़र शुरू करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के महाज पर पहुंच गए तो आपने अपनी फ़ौज को तैनात किया। वहाँ भी ये नहीं फरमाया कि आप लोग वजीफ़ा पढ़ लें और आप लोग दुआ फरमाएं, बल्कि नबी ने जब सारे इंतज़ाम फरमा दिए तो आप एक खेमे में तशरीफ़ ले गए, उस वक्त अल्लाह से दुआ करना शुरू की। सारे इंतज़ाम करने के बाद, सफ़र करने के बाद, महाज पर फ़ौज को जमाने के बाद आप अल्लाह से दुआ करने लगे, तो अबू बकर सिद्दीक़ कुछ देर के बाद पहुँचे और कहा कि हसबुक या रसूल अल्लाह, हुज़ूर बस काफ़ी है, यानी दुआ की कबूलियत के आसार दिख रहे हैं या जो भी एहसास उनको हुआ। इसी तरह ये जंग खंदक का मौका है, इस जंग खंदक के मौके में मशवरा हो रहा है क्या करना चाहिए, हालात बहुत संगीन है, इन संगीन हालात में हमारे लिए क्या तरीक़े अमल है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि शिमाली इलाके में खंदक खोदी जाए, ये ईरानी तरीक़ेकार है और ये तरीक़ेकार यहाँ के लिए बहुत मुफीद होगा। हुजूर उनका मशवरा कबूल करते हैं और उसके बाद फिर ये हुक्म फरमाते हैं कि अब चलें, फिर हुजूर खुद ही जगह का जायज़ा ले कर तय करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 मील का जो इलाका है, फरमाते हैं कि यहाँ खंदक खोदी जाएगी, और इस तरह यानी सारी प्लानिंग जो हो रही है वो जंग की हो रही है, उसकी हिकमत अमली की हो रही है, उसकी तैयारियों की हो रही है। कहीं पर ये नहीं है कि इस वक्त आप लोग इज्तिमाई दुआ फरमाएं, आप लोग वजीफ़ों का अहतमाम करें, ये कहीं नहीं। मालूम ये हुआ कि आपका अल्लाह से लौ लगाना या आपके ईमान का तकाजा है, और अल्लाह पर तवक्कुल करना या आपके ईमान का तकाजा है, लेकिन आपसे जो मुतालबा है, जो अल्लाह का हुक्म है, वो तैयारी का है। वाइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, दुश्मनों से मुकाबले के लिए जो भी ताकत मुमकिन हो उसे तैयार करो।
ये है इस्लामी तर्ज, ये है इस्लामी फहम, ये है कुरान पाक का हुक्म, ये है नबी के तरीक़े कार। इसलिए मैं बुज़ुर्गों से भी कहूँगा और पीरों से भी कहूँगा और मशायख से भी कहूँगा और हज़रात उलमा से भी कहूँगा और अपने बाज़ साथियों से भी कहूँगा कि ये जो तरीक़े कार मशायखाना और पीरों का है कि दुआ की तलकीन फरमा दी जाए, जो तैयारी करनी है, जिस काम के लिए जो तैयारी करनी है, जो इकदामात करने हैं, उनका कोई लाहे अमल ना हो, उन पर कोई मशवरा ना हो, उनके लिए कोई प्लानिंग ना हो, ये दुरुस्त नहीं है। मौलाना सज्जाद साहब की मैंने कल बात सुनी, कौम को मुखातब करते हुए वो फरमा रहे थे कि दुआओं का अहतमाम करें, तो उनसे मुझे ये कहना है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आयत करीमा पर तवज्जो फरमा लें और सीरत की किताब पर एक मरतबा फिर नज़र डाल लें और कुरान पाक की जो मामूरात हैं उनको देख लें। कभी भी किसी संगीन मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साहबे किराम को न मशवरा दिया वजीफ़ों का और न ये कि वो दुआओं का एहतमाम करें। बस जो वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं वो ये कि आपने पूरी तरह से तैयारी का हुक्म दिया और ये हर वक्त का सबक था, सुबह मसा का सबक था कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर एतमाद करो, अल्लाह पर ईमान रखो। जो कदम भी उठाना है, चाहे खंदक खोदने का वो कदम हो रहा हो और दीवार उठाने का कदम हो रहा हो, हथियार आपके पास हो, लेकिन एतमाद अल्लाह पर हो, तवक्कुल अल्लाह पर हो। हाथ में दुनिया हो, चीज़ हो, जरिया हो, वसीला हो, दिल में अल्लाह हो। ये है जो सिखाया गया है। लेकिन इस मौके पर जो आमतौर पर तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है वो नबवी तरीक़ेकार नहीं है। आज इतने सख्त हालात हैं, इन हालात में उलमा सर जोड़कर बैठते तमाम झगड़ों को और आपस के इख्तलाफात को किनारे रखते और मिलकर बैठते, सर जोड़कर बैठते, मशवरा करते कि क्या करना, इकदामात क्या करने, बात इसकी होगी। जो भी इकदामात मुमकिन है उन इकदामात की बात करनी है और वो इकदामात मशवरे में सिर्फ नहीं आएंगे, तजवीज़ नहीं पास होगी, करारदाद नहीं पास होगी, सिर्फ उनका तस्करा नहीं कर दिया जाएगा कि ये मेमोरेंडम पास कर दिया गया, ये करारदाद पास कर दी गई, ये तमाशे नहीं चलेंगे, ये फजूल बकवास होती है, बल्कि मशवरा होगा, अमल शुरू हो जाएगा। एक मशवरा होगा, एक बात तय पाएगी, एक मरतबा कर लिया जाए, दो मरतबा कर लिया जाए। हालांकि नबी बार बार मशवरे नहीं करते थे, मजलिस मशवरे की एक होती थी और उसके बाद जब एक फैसला ले लिया जाता था तो इकदाम होता था। आज मुझे बताइए कि इकदाम कौन सा हो रहा है? आपका इकदाम जो है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो उलमा हैं, जो मशायख हैं, जो पीर बने हैं, जो मुरीद बनाते हैं, ये दुआ बस जैसी तैसी कर लेते होंगे और दुआ करवाते हैं। अगर दुआओं से काम चल रहा होता तो सबसे ज़्यादा जो दुआएं हरमैन में की जाती हैं, मस्जिद अक्सा में की जाती हैं, दुश्मनों पर गलबे की, वो कबूल हो जाती। एक साल में होती, दो साल में होती, दस साल में होती, 200 साल से मुसलमान जिस जिल्लत के साथ गुजर रहे हैं और जो तबाही मची हुई है, जिस मगलूबियत के साथ वक्त गुजार रहे हैं और जिस साम्राज्य के सामने गर्दन झुकाए हुए हैं, हरमैन की वो दुआएं जिनसे लगता है कि शायद आसमान फट जाएगा और ज़मीन शक हो जाएगी, 27वीं शब की, रमज़ान की 27वीं शब की दुआ और अरफा की दुआएँ, कोई दुआ भी काम नहीं आ रही, कोई तो बात है ना, ये दुआएं अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा? इसका सवाल अपने से करना है, अपने से करना है। क्या वजह है कि साहब दर्स कुरान का भी हो रहा है, दर्स हदीस का भी हो रहा है और दुआएं भी हो रही हो, नमाजें भी हो रही हो, तहज्जुदें भी पढ़ी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद ये उम्मत क्यों है जो जलील भी है और मगलूब भी है और पिटती चली जा रही है और दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, कि ज़िल्लत और बेचारगी की मार मार दी गई है इस पर, जो कभी यहूदियों पर मार मारी गई थी वो इस उम्मत पर मार दी गई है, हालात क्यों नहीं तब्दील होते? इसलिए यहाँ पर जंग अज़ाब के मौके पर फरमाया गया, हुजूर के नमूने को, हुजूर के अमल को, हुजूर के इकदाम को, हुजूर के तरीक़े कार को, हुजूर की हिकमत अमली को सामने रखो। अब उसी का एक छोटा सा तज़किरा यूँ फरमाया,
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. मुसलमानों ने जब ये जत्थे देखे, जब पार्टियां देखी, अलायंस देखा, सारे इलाके के लोग और लश्कर टूट पड़े, जब ये देखा तो कहा कि हाँ, अल्लाह रसूल ने यही कहा था, ये कहा था कि दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी और तुम्हारे मुकाबले के लिए उतर जाएगी, ये कहा था अल्लाह रसूल ने. इससे उनके ईमान में और इजाफा हुआ और उन्होंने अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दिया. जो हुक्म और अल्लाह का हुक्म था, अइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वत, तैयारी करो, और हुक्म था मुकाबला करो, तो क्या किया? अब यहाँ ये नहीं है कि जब उन्होंने देखा कि सारे लश्कर इकट्ठा हो गए हैं और ये सारी अलाइड फोर्सेस जमा हो गई हैं, एक मुत्तहिदा महाज है हमारे मुकाबले में, हमारे पास उसके मुकाबले की ताकत नहीं है, तो ये नहीं है कि सब लोग रोने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह अब तू ही है हमारा मुहाफिज और अब तू ही इनको टाल दे और तू ही शिकस्त दे दे, अल्लाह हमारा बाल भी बीका ना हो. ये सब कहीं नहीं है, बल्कि क्या है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह से ईमान वालों ने जो मुआहदा किया था वो पूरा कर दिया, यानी मुकाबले पर उतर गए, जाने हथेलियों पर रख दी. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, कोई इस दुनिया से चला गया, रुख्सत हो गया, शहादत का जाम नोश कर लिया, और कोई इंतज़ार कर रहा है. ये हैं दो तरह के लोग. ये नहीं है कि किसी खानकाह में बैठकर रो रहा है और सिर्फ दुआएं मांग रहा है और दुआओं का मशवरा दे रहा है, ये नहीं फरमाया जा रहा. वमा बदलू तब्दीला, कोई उन्होंने रद्दोबदल नहीं किया जो नबी ने सिखाया, जो नबी का अमल रहा, खुद जो अमल रहा उस अमल को इख्तियार किया कि मशवरे वाले सब बैठे हैं मस्जिद में और हुजूर घर तशरीफ ले गए, घर से जब बाहर निकले तो लोग हैरान के सर पर खोद हैं और दो जिरहे पहने हुए हैं और तलवार हमायल है और तिरकश है, ये सब एक फौजी कमांडर की हैसियत से घर से तशरीफ ला रहे हैं. ये नहीं हुआ कि आप ये फरमाते हैं कि भाई तमाम लोग इस वक्त सलातुल हाजत पढ़ लें और वजीफे जो बताए गए उनमें मशगूल हो जाएं, अल्लाह ताला ही इन काफिरों को शिकस्त देगा, जिसने अब्रहा के लश्कर को ख़त्म कर दिया वो इनसे भी निमट लेगा, आपका काम सिर्फ अल्लाह से लौ लगाना है, दुआ करना है, आपका काम यह है कि आप सजदा करें. ये बात नबी अगर फरमाते तो उस एक उसवा हो जाता, एक नमूना हो जाता, एक तरीका हो जाता. लेकिन हम जहाँ देखते हैं, जब देखते हैं, बद्र का मौका हो, उहद का मौका हो, खंदक का मौका हो और जितने मौक़े हैं, वहाँ देखते हैं कि ऐसी तैयारियाँ हो रही जैसे एक मादी फौज तैयारी करती, और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ईमान का, तवक्कुल का, इनाबत का, उसका दिल की दुनिया से ताल्लुक़ है, अंदरून की दुनिया से ताल्लुक़ है. हर शख्स का अपना अल्लाह के साथ एक ख़ास मामला है और जो उसको हुक्म दिया गया है उसे पूरा करना है. फिर फरमाया गया कि अब इसका ये नतीजा था, इन तैयारियों का, इस मुकाबले का, इस इंतज़ाम का, कि वो जो जत्थे जमा हुए थे और जर्रार लश्कर इकट्ठा हुए थे, ये सब जो है जलील हुए, इनको मुंह की खानी पड़ी और अपनी भड़ास निकाल नहीं सके, बल्कि ये अपनी उम्मीदों और अपनी तमन्नाओं का मक्तल अपने साथ लेकर चले गए और अल्लाह ने इन्हें नाकाम नामुराद कर दिया. अब दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के जुनूबी इलाके में यहूदियों का जो कबीला बनू कुरैज़ा नाम का था, और जिनको हुयै इब्ने अख्तब ने, जो बनू नज़ीर कबीले का लीडर था, आकर तैयार किया था कि तुम लोग इस वक्त इस इन जर्रार लश्करों का साथ दो, इस जो मुत्तहिदा महाज है उसका साथ दो, उनसे ये कहा था. काब इब्ने असद लीडर था बनू कुरैज़ा का, वो तैयार नहीं था कि हमारा मुआहदा है मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हुयई इब्न अख्तब ने उन्हें शीशे में उतार लिया कि इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला है, मुसलमानों की ताकत को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, अक़ल अगर तुम्हारे अंदर है तो इस वक्त तुम्हें पीछे से हमला करना है, सामने से वो फौजें हमला करेंगी और फिर पूरा मदीना तुम्हारे हाथ में होगा और हम जो खैबर में पड़े हुए हैं दोबारा वापस आएंगे अपने अपने इलाकों में, जो हमारे किले हैं, जो हमारी घड़ियाँ हैं, वो हमको वापस मिलेंगे। बहरहाल उनको गद्दारी के लिए तैयार कर दिया और अल्लाह ताला ने पहले तो शिकस्त दी उन जत्थों को, अहज़ाब को, और जब उनको शिकस्त हो गई और एक आंधी अल्लाह की तरफ से भेज दी गई, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद फरमाई गई, जब हमने अपनी पूरी तैयारियां की और जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया, तब अल्लाह की गैबी मदद आती है, उससे पहले नहीं आती, लिहाजा वहाँ फतेह हासिल हो गई। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब घर वापस आए और आप नहाने के लिए दाखिल हुए कि अब इतने अरसे तक ये मुकाबला होता रहा और कपड़े पसीने में और गर्द गुबार का असर, तो अभी आप अपने गुसल खाने में थे और जाहिर है कि पर्दा लगा रहता था, सामने दिखता था, तो देखा कि जिब्राइल अमीन नज़र आए और जिब्राइल अमीन इस तरह दिखे कि वो घुड़सवार हैं और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि ये अभी से ये आप क्या कर रहे हैं, आप नहा धोकर तैयार हो रहे हैं कि आप मामूल के हालात होंगे, उधर चलना है, जुनूब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उधर चलना है। फौरन नबी समझ गए कि इशारा यह है कि बनू कुरैज़ा से निमटना है, लिहाजा बस आप जल्दी तैयार हुए और उसके बाद ऐलान कर दिया कि सारे लोग नहायत ही तेज़ी के साथ बनू कुरैज़ा के इलाके की तरफ चलें, अब वो अपने घरों में न रहें और अभी और किसी चीज़ में मशगूल ना हो, असर की नमाज वहाँ पढ़नी है, यहाँ नहीं पढ़नी, यह ऐलान फरमा दिया। बस एक आग लग गई और एक हंगामा मच गया, हर तरफ हलचल और तैयारियाँ की गई कि जो लोग आए थे कपड़े उतारे थे लिबास उन्होंने अपने रखे या हथियार रखे, अब वो चाहते थे कि नहा धोकर अपने घर में बैठे इतने अरसे के बाद, और मैं कह नहीं उधर चलना है, और न्याय तेज़ी के साथ हूँ, ऑर्डर ये था कि असर से पहले पहुँचना, असर वहाँ नहीं यहाँ नहीं पड़नी। फौरन फौज रवाना हो गई और फिर उस इलाके में पहुँचे, बनू कुरैज़ा के इलाके में पहुँच कर उनका घेराव कर लिया गया कि तुमने गद्दारी की, बदहदी की, बदमाशी की। अब वो इधर उधर की बातें करते रहे लेकिन ये मुहासरा चलता रहा और वो मुहासरे को तूल दे रहे थे कि हमारे पास तो इंतजामात हैं, खजूर भी है और पानी भी है और चीज़ें हैं, हम इनको थका देंगे मुहासरे से, ये तंग आ जाएंगे, एक जंग के बाद तो आएँ, लेकिन ये मुहासरा तवील होता चला गया, तकरीबन 25 दिन एक महीने तक ये मुहासरा चलता रहा, यहाँ तक कि वो मजबूर हो गए और उनका अच्छा हम तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप साद इब्ने मुआज़ को हमारे और अपने दरमियान बातचीत का मौका दे दीजिए और वो हमारे बारे में फ़ैसला करें। उन्हें ये उम्मीद थी कि वो कबीले औस के सरदार हैं और बनू कुरैज़ा के कबीले औस से पुराने ताल्लुकात थे, तो वो आएँगे तो अपने ताल्लुकात याद करके कोई नरम फैसला करेंगे। बहरहाल वो आए, वो ज़ख्मी थे, वो तो ज़ख्मी हो चुके थे जंग अहज़ाब में और मस्जिद नबवी ही में एक क्लिनिक में उनका इलाज हो रहा था, डॉक्टर रुफैदा उनका इलाज कर रही थी। अब उनको इसी हालत में लाया गया, उनके जो खुद्दाम थे वो लेकर आए और जब वो करीब पहुँचे तो हुज़ूर ने फरमाया कबीले औस के लोगों से, कूमु इला सय्यिदिकुम, ये तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, खड़े हो, उनका इस्तकबाल करो। वो आए तो बहरहाल उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारे फैसले पर ये लोग राज़ी हैं, तुम क्या फ़ैसला करते हो तुम गौर करो और फैसला करो। उन्होंने गौर किया, वो सोचने लगे सोचने लगे कि मुझे क्या बात इनके बारे में तय करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि वो ये फ़ैसला करें कि इनके जो जंगजू हैं उनको तहकीक कर दिया जाए और बाकी सबको गिरफ़्तार कर लिया जाए। उन्होंने जिस वक्त ये फ़ैसला सुनाया है तो यहूदी सन्नाटे में आ गए, वो सोच नहीं सकते थे कि उनके बारे में ये फ़ैसला होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ तुमने वो फ़ैसला किया जो अल्लाह को मंजूर है,
तुम्हारा फैसला अल्लाह की शरीयत के मुताबिक है, और क्योंकि उनकी शरीयत में यानी तौरात में ये बात लिखी हुई है कि जो बदअहदी करें, गद्दारी करें, उनकी सज़ा ये है कि उनको तहकीक कर दिया जाए। तो इसका ही नतीजा था कि यहूदी कहने लगे मलहमतुन कुतिबत अलैना, ये तो ये हमारा वो कत्ल आम है जो हमारे मुकद्दर में था, यह हमारे लिए लिख दिया गया था, इसीलिए हमने सारी बदमाशियाँ की और आज इस अंजाम को पहुँचने की नौबत आई। आखिर क्योंकि ये ऐलान कर चुके थे कि जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, तो उसके बाद फिर किला खाली करवा लिया गया, जिनको गिरफ़्तार करना था उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और जो इसके मुस्तहिक थे कि उनको तहकीक कर दिया जाए उनको तहकीक कर दिया गया, और इस तरह मुसलमानों को इस यहाँ से बग़ैर इसके कि जंग करनी पड़े, बग़ैर कुरान पाक यहाँ यही कह रहा है कि बग़ैर इसके कि तुम्हें जंग करनी पड़ती और उनके इलाकों को रौंदना पड़ता, अल्लाह ने उनके किले खाली करवा दिए और उनके किलों से उनको उतरवा दिया, उनके दिलों में एक रोब डाल दिया, दहशत डाल दी, और तुम्हें उनकी ज़मीन दे दी, इलाके दे दिए, माल दे दिया, और वो सारे खेत खलियान तुम्हारे हाथ में आ गए। आमतौर पर जो सीरत निगार हैं वो लिखते हैं कि मुसलमानों को 1500 तलवारें और 2000 नेज़े और 300 जिरहें और 1500 ढालें और बड़ी तादाद में ऊँट और बकरियाँ वगैरह वहाँ से हासिल हुई। ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ज़बरदस्त मदद की, उन उस अलायंस को, उस मुत्तहिदा महाज को एक तरफ शिकस्त दी गई, जिसके बारे में फिर हुज़ूर ने फरमाया था अलाना नगज़ूहुम वला यगज़ूनना, अब हम उन पर चढ़ाई करें, वो हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, और यहाँ ये जो आखिरी कबीला बाकी रह गया था उसको शिकस्त फाश हुई, और सबसे ज़्यादा बुरा अंजाम हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसी गद्दारी की थी, मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने की पूरी प्लानिंग की थी। तो अब जाहिर है कि हज़रत मूसा की शरीयत में, बाइबल में यानी तौरात में यही हुक्म दर्ज है कि जो ऐसी बदअहदी और गद्दारी करें उनकी सज़ा यही है कि उनको तहकीक कर दिया जाए। ये वाक़या है, तफसील के साथ सीरत की किताबों में देख लिया जाए, और यहाँ तो जाहिर है कि इख्तिसार के साथ ही वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, लेकिन आयात करीमा क्या हमारे सामने नमूना पेश कर रही है उनसे वाकिफ़ होना चाहिए, और जो हालात आज हमारे सामने पूरी दुनिया में और यहाँ पर भी हैं, तो उनके सिलसिले में जो ये मशवरा दे देते हैं कि वजीफ़े पढ़ लीजिए और कुछ दुआएं कर लीजिए, और जो असल काम करना है यानी जो इस दुनिया में मुकाबले वाली बात रखी गई है, जो निज़ाम भी जहाँ के लिए रखा गया है उसकी बात नहीं करते, वो हुजूर के उसवे पर अमल नहीं करते, हुजूर के मनहज से वो दूर हैं, और वो बस बहलाते हैं, तिफिल तसल्लियों में मशगूल करते हैं, और इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।